ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थो अध्याय। कार्पण्यदोषो पहता स्वभावा। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नोऽस्मिन्यथा देहे। कौमारं यौवनं जरां तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र नमो न जायते म्रियते वा कदाचिन्। नायं भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरेश्वर प्रसक्तानां तया परितचेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहं इति मन्यते। एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः। सकालेनेह महता योगो नष्ट परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्मा च मे दिव्यम्। एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्त कौन्तेया न तेषु रमते बुध। भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरं। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोग नाम षष्ठो अध्यायः।